ग्लोबल बाज़ारों के सेटअप की बात कर लेते हैं कल निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी देखने को मिली और हम भी एक अच्छी क्लोजिंग हमने दी पर एक्सपायरी का मूव ज़रूर था पर इस बीच ग्लोबल बाज़ारों से क्या कुछ संकेत मिल रहे हैं आ, किस तरीके से देखना चाहिए ग्लोबल सेटअप को आइए समझते हैं और अजय आपसे ही समझना चाहेंगे देखिए कल डॉलर इंडेक्स में गिरावट जरूर रही सोने में एक्साइटमेंट है क्या कुछ मतलब निकाले इसका देखिए आपको मैंने बताया था कि ये जो नरम डेटा आया है ना यूएस जीडीपी का इससे परेशान नहीं होना चाहिए क्योंकि पीसीई सीई डेटा जो है उसके ऊपर नजर बना के रखेगा बाजार कल शाम को थर्सडे को पीसीई का डेटा भी आया और वो जीरो की जगह जीरो आया बट फिर भी रेंज जो एक्सपेक्टेशन थी वो जीरो पॉइंट के करीबी थी तो जब वो इनलाइन एक्सपेक्टेशन डेटा आया जो फेड बहुत बहुत ज़्यादा क्लोजली वॉच करता है इस डेटा को हमने देखा बाजार में एक बढ़िया रिबाउंड आया तो यूएस मार्केट ठीक ठाक चल रहा है और वहां पर जितने भी आप स्टेजस का के नोट पढ़ेंगे आपको लगेगा कि मोटा मोटा डायरेक्शन यही है कि एक आध महीने ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन रेट कट आना तय है मिड इस साल के करीब करीब मिड में दूसरी बात यह कि मेरे मेरे को ताज्जुब इस बात पे हुआ कि डॉलर इंडेक्स बहुत ज़्यादा घटा नहीं है इसके बाद डॉलर इंडेक्स अभी भी 104 सौ के करीब बना हुआ है और बॉन्ड ईल्स भी बहुत ज़्यादा घटी नहीं है सवा चार के आसपास बनी तो ये थोड़ा सा एक वॉच वॉचफुल रहना चाहिए आपको ये इस मार्केट रैली कर रहा है बिल्कुल मैक्रो डेटा वहीं आ रहा है जहाँ पर उम्मीद है जो रेट कट की संभावना को सपोर्ट करता है बिल्कुल आ रहा है लेकिन बॉन्ड ईड का घटना और डॉलर इंडेक्स का घटना बहुत ज़रूरी है ग्लोबल मार्केट सेंटिमेंट के लिए तो इसको आप वॉच करके चलें बट ओवरऑल चीज़ें सपोर्टिव दिख रही हैं लेकिन शिफ्ट करते हैं फोकस और हम बात करते हैं इंडियन मार्केट्स की भारतीय मार्केट्स की कल भारतीय मार्केट ने एक बहुत मेच्योर रिएक्शन दिया सेकेंड हाफ में नीचे के लेवल से निफ्टी बट कल निफ्टी और बैंक निफ्टी कहानी थी नहीं हालांकि बैंक निफ्टी ने थोड़ी लीडरशिप दिखाई कहानी तो सारी स्मॉल एंड मिड कैप थी आपको याद होगा करीब दो दिन से बाजार में सबसे बड़ी चर्चा यही हो रही है कि जो सेबी का नज है म्यूचुअल फंड्स के तरफ कि साहब लिक्विडिटी को थोड़ा सा कंट्रोल करिए लिक्विडिटी को वॉच करिए रिस्क पैरामीटर्स को वॉच करिए मिड कैप स्मॉल कैप की तरफ इसकी वजह से मिड कैप स्मॉल कैप की दो सेशन से दबाव में आए थे लेकिन डायरेक्टर साहब अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप दिखा दें तो आपको मालूम चलेगा हम अपने व्यूअर्स को बता पाएंगे कि कल क्यों एक काफी मेच्योर रिएक्शन था बाजार परेशान नहीं हुआ सिर्फ एक दिन हमने बहुत जबरदस्त गिरावट देखी मिड कैप स्मॉल कैप रिकवर करके डेज हाई पे बंद हुए आपको याद होगा हिस्टोरिकली अगर आप देखें कोई भी मिड कैप स्मॉल कैप तरफ रेगुलेटर का एक्शन क्या एक नज़र भी निगाह भी गई तो घुस जाते थे स्टॉक डाउन सर्किट लगते थे इंडेक्स दो तीन परसेंट गिर जाती थी लेकिन कल मिड कैप स्मॉल कैप नीचे के लेवल से बहुत बढ़िया तरीके से रिबाउंड रीबाउंड इनफैक्ट अगर आप टेक्निकल्स की बात करें तो फिफ्टी डे मूविंग एवरेज पर क्वालिटी मिड कैप्स इंडेक्स ने बहुत बढ़िया सपोर्ट लिया और रिबाउंड आया है और दूसरा आज जो Q, ये जो जीडीपी की बात कर रहे हैं हमारे डिम्पी जी ये बहुत बड़ा बूस्ट है साढ़े छः परसेंट के आसपास लोग पकड़ के चल रहे थे उम्मीद ये थी कि थोड़ा सॉफ्ट होगा बट हुआ क्या बम्पर हो गया इनफैक्ट और जितने भी इकोनॉमिक्स से अगर आप बात करें ना श्रिष्टि सब ये कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट्स की वजह से बहुत तेज़ी से सरकार का इन्वेस्टमेंट चल रहा है सब्सिडीज़ में गिरावट की वजह से बॉइंट टैक्स कलेक्शन की वजह से और थोड़ा एडजस्टमेंट प्रीवियस बेस की वजह से बढ़िया आपको क्यू टू थ्री क्यू थ्री जी दिखाई दिया है और बाजार को भी इससे एक तरह से जस्टिफिकेशन मिलेगा कि इकोनॉमी का हाल वाकई मजबूत है और ये जो क्वेश्चन उठता है ना बार बार सवाल उठता है कि साहब इंडियन मार्केट की रैली जस्टिफाइड है क्या अंडरलाइन ग्रोथ वाकई उतनी मजबूत है क्या सब डेटा है आपके पास आपके सामने डेटा है देख लीजिए तो ज्यादा मंदी अगर करने का मूड हो तो डेटा देख के काम करिएगा व्यू पे लेके काम थोड़ा कम करिए कि साहब सब बेच के हम खड़े हो जाएं बहुत महंगा है भाई डेटा देखिए ये ग्रोथ जो आई है बंपर ग्रोथ दिख रही है इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं मैं मेरा मेरी राय नहीं इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं और मैं आपको एक से एक इकोनॉमिस्ट के व्यूज दिखा सकता हूँ कि वाइन टैक्स कलेक्शन सब्सिडीज़ में कमी और थोड़ा एडजस्टमेंट बेस का की वजह से ये रिबाउंड आया है तो कल का जो रिबाउंड डेज लोग का था आज वो जारी रह सकता है तो चांसेस ये हैं कि शायद रह सकता है